आर्यन खान ड्रग्स मामले में बरी हो गए हैं, खान फैमिली के लिए बहुत बड़ी राहत। वहीं अब प्रॉब्लम में पड़ गए हैं वो ऑफिसर जो हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व करते हैं, समीर वानखेड़े, जिन्हें एनसीबी अपना होनहार ऑफिसर मान रही थी और कह रही थी कि किसी से डरता नहीं है, दबंग ऑफिसर है। समीर वानखेड़े की इन्वेस्टिगेशन में लैप्स पाया गया, यही कारण है कि आर्यन खान केस में एसआईटी टीम गठित की गई और उस एसआईटी टीम को आर्यन खान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। अब सबसे बड़ी बात, समीर वानखेड़े के काम पर इस केस में उंगली उठी है, यही कारण है कि अब दूसरे केसेस के लिए भी कहा जा रहा है कि उनकी भी री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसे में समीर वानखेड़े के ही अंतर्गत एक और केस आता है, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स मामले का केस, जिस केस में रिया चक्रवर्ती एक महीने तक जेल में रहकर आई और उसका भाई 2 महीने तक जेल में रहा और सुशांत का एक दोस्त जो उनके साथ उनके घर में रहता था वो आज भी जेल में ही बंद है। सुशांत के हाउस हेल्प्स भी जेल जा चुके हैं ड्रग्स मामले में। जिस तरह से आर्यन खान मामले में ट्विस्ट आया, उस हिसाब से अब कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने रिया के साथ जो ड्रग्स के केस की इन्वेस्टिगेशन की उसमें भी लैब से उसमें भी खामियां हैं, यही कारण है कि अब इस केस की भी री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये बात कही है रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे की। सतीश माने शिंदे जो रिया के वकील रहे, वही आर्यन खान ड्रग्स मामले में भी वकील रहे और सतीश मान शिंदे से जब आर्यन का केस नहीं संभला तो शाहरुख खान ने लंदन से वकील मुकुल रोहतगी को बुलाया और फाइनली उन्होंने कमान संभाली और आर्यन को बरी करवाया। और इसीलिए अब सतीश मान शिंदे ये कह रहे हैं और इंसिस्ट कर रहे हैं कि रिया के केस में भी हम री इन्वेस्टिगेशन फाइल करेंगे और रिया के केस की भी फिर से जांच होनी चाहिए क्योंकि ऑफिसर जो है वो करप्ट पाया गया है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले से बरी हो सकती है और उसमें सबसे बड़ा रोल निभाया है आर्यन खान ड्रग्स केस ने, यानी कि आर्यन खान ने आकर रिया चक्रवर्ती को बचा लिया।